हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे सुपर 50। देखिए, ये सुपर 50 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अगर आप यूएससीपीए, यूएससीएमए या कोई भी इंटरनेशनल कोर्स लाइक एसीसीए या आईएफआरएस को परस्यू करने की सोच रहे हैं, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो देखिए, ये पर्टिकुलर जो वीडियो मेरा बनाने का एक ऑब्जेक्ट है ना, उन वर्किंग प्रोफेशनल की हेल्प करना जो कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से थोड़ा सा आउट ऑफ टच थे। मतलब हो सकता है कि आपकी, जैसे अभी ये 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप, हो सकता है कि आपका कॉलेज 2015 के आसपास कंप्लीट हुआ या उसके पहले भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी ये 40 के आसपास भी है, 30 के ऊपर क्रॉस हो गए हैं, या बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट, बिल्कुल यंग स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट को पास करे हैं, लेकिन फंडामेंटली वो इतने स्ट्रांग नहीं है। और देखिए, अगर आप एक इंटरनेशनल कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्सेस में कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है, ह्यूज कॉस्ट। जब आपका इतना फंड लगा है, तो आपको बींग ए फैकल्टी, हमारी एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम आपको आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करें कि आप इस इंटरनेशनल प्रोफेशन को बहुत अच्छे से पास कर पाएं। तो ओवर द पीरियड इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं एक बीकॉम ग्रेजुएट, एमकॉम या एमबीए स्टूडेंट फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसके कारण वो इन इंटरनेशनल प्रोफेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सके, CPA, USCMA, IFRS और ACC। तो मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये सुपर 50 वीडियोस मिलेंगे और ये मेरे द्वारा बिल्कुल कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें क्योंकि मेन करिकुलम जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मुझे पूरी तरीके से आइडिया है कि आप कहां स्ट्रगल कर सकते हैं, कौन सी जनरल एंट्रीज में स्ट्रगल कर सकते हैं, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट में स्ट्रगल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक करिकुलम डिजाइन किया है, सुपर 50 लेक्चर्स। इस सुपर 50 लेक्चर्स में मैं आपको ग्लोबली फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी की मास्टरी करने वाला हूं। मतलब अगर आपका बैकग्राउंड बीकॉम हो, आपने किसी भी बैकग्राउंड, इवन आप एक सीए इंटर स्टूडेंट भी हैं, तो भी आपको ये वीडियोस डेफिनेटली हेल्प करने को मिलेंगे। इसको हम एडवांस फंडामेंटल प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि मैं आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहता हूं। मेन करिकुलम आपका अलग चलेगा और मेन करिकुलम के साथ में आपको ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जो कि पूरे करिकुलम को ध्यान में रखते हुए, IFRS और यूएस गैप दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किए हैं, डिजाइन किए हैं ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। और अगर आपने, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, तो ये डेफिनेटली 50 लेक्चर आपका बेस इतना स्ट्रांग कर देंगे कि आप इंटरनेशनली कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे CPA हो, USCMA हो, IFRS हो या ACC हो, आप डेफिनेटली इसको पास कर पाएंगे। तो आज पहला लेक्चर, ये पहला लेक्चर 45 मिनट्स टू 1 आवर का होगा, लेकिन इस एक घंटे में आप आज जो सीखेंगे ना, वो आपको पूरे इंटायर करिकुलम में हेल्प करने वाला है। बिलीव मी, आपका ये एक घंटा आने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट USCPA में, USCMA के दोनों पार्ट्स में, या ACCA का आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या डिप्लोमा इन IFRS में आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को कवर करने वाला हूं। और ये वाला लेक्चर जो है, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। ये पहला वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियोज की एक सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस भी मिल सकें और आपका जो बेस स्ट्रांग हो सके, और आप इंटरनेशनल प्रोफेशन को अगर कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर, ऐसे 50 लेक्चर आपको मिलेंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं, और 30 घंटे के ये वीडियोज प्लस इसमें कुछ एक्सरसाइज भी होगी, कुछ MCQs भी होंगे, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो डे 1
जो पहला है वो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये लगता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब केवल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो आप देखिए, इंटरनेशनली अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होंगी। सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब यह वर्ड आपके लिए हो सकता है बिल्कुल नया हो। स्टेटमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होगा सर बैलेंस शीट। क्या होगा सर? तो देखिए, टर्मिनोलॉजी भी कई बार क्या होती है, डिफरेंट होती। तो किसी कंपनी की अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करना हो तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद आप एक और टर्मिनोलॉजी देख रहे होंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, इसमें कुछ अदर चीजें भी आती, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राइमरली आप इतना समझिए कि हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट को हमने क्या बोला सर? स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजिशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये देखिए नई टर्मिनोलॉजी, आप पहली बार सुन रहे होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट डेफिनेटली आपने 12th क्लास में पढ़ा है। अगर आप CBSE के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, यूपी को किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट, डेफिनेटली आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पढ़ा ही होगा। उसके बाद आपके लिए डेफिनेटली नया वर्ड होने वाला है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इसमें हम अगर नोट्स टू द अकाउंट्स को मैं एक अलग सेगमेंट में कवर करने वाला हूं। तो बेसिकली किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या क्या हो गया सर? स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको कि हम बैलेंस शीट बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम और इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एडिशन है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक और चीज आने वाली है जिसको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसको हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो केवल यही समझते हैं कि सर इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, कंपनी के द्वारा जो पैसा लगे। तो आज इस 45 मिनट्स में आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो अभी आपने केवल नाम समझे कि सर इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं हम ग्लोबली, चाहे फिर आप USCMA कर रहे हो, CPA कर रहे हो, ACCA कर रहे हो, IFRS कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होते हैं, चाहे IFRS हो चाहे USGAAP। अब हम एक एक आइटम को अच्छे से समझेंगे कि सर स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको कि हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो सर बैलेंस शीट मतलब जो किसी कंपनी की एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अभी मैं आपको यहां पर कुछ फॉर्मूले के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, तब आपको एक नॉलेज मिलेगा कि सर हमें बैलेंस शीट का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना चाहिए, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आपको यह समझना है कि बैलेंस शीट जो होती है वो हमेशा कैसे बनाई जाती है, एज ऑन, यहां मैं लिख दे रहा हूं एज ऑन। बैलेंस शीट कभी भी फॉर द ईयर एंडेड नहीं होती, बैलेंस शीट आप हमेशा एज ऑन बनाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी कंपनी के पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो यहां पर आप एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयरहोल्डर्स इक्विटी। तो सर टोटल एसेट्स का मतलब हो गया लायबिलिटी प्लस शेयरहोल्डर इक्विटी। बस इस शेयर होल्डर इक्विटी को ही हमने बहुत अच्छे से समझना है, शेयर होल्डर इक्विटी।
और आप जब यूएससीपीए का फार सेक्शन या यूएससीएमए में फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट की जब एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आपको ये इक्विटी वर्ड आपके बहुत काम आएगा और आपको क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला। तो अभी हमने समझा कि सर कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। अभी हम पूरा एक बैलेंस शीट को देखेंगे एज पर यूएस गैप। अभी तक आपने कभी यूएस गैप के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट नहीं देखी होगी, तो आप में आपको आज यूएस गैप के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है उसको भी यहां बताने वाला हूं। एक प्रैक्टिकल बैलेंस शीट, एक कंपनी की बैलेंस शीट को मैं आपको बताऊंगा और फिर उस आइटम्स को, उस बैलेंस शीट के एलिमेंट्स को के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट है। तो देखिए, बैलेंस शीट आपने इंडिया में डेफिनेटली बनाई होगी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखते थे सर? लायबिलिटी लिखते थे और राइट हैंड पर आप लिखते थे एसेट। तो यूएस गैप में ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखिए, हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को, बैलेंस शीट की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं जो बहुत टेक्निकल है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने एसेट्स का और लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। पहला है करंट एसेट्स और उसके बाद है नॉन करंट एसेट्स। क्या है सर? करंट एसेट्स। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में भी आप देखिए, आप करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन को समझिए। तो अभी तक स्टूडेंट मालूम है, यही समझते हैं इंडियन स्टूडेंट की करंट एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट जो कि एक साल के अंदर कैश में क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। जैसे ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, एआर जो है, अगर आपको विद इन वन फाइनेंशियल ईयर में कैश में रियलाइज हो जाते हैं तो हम इसको क्या मानते हैं? करंट एसेट्स। लेकिन यूएस गैप बोलता है कि अगर करंट एसेट्स को आप विद इन वन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी विच एवर इज लॉन्गर में रियलाइज कैश में कर पाते हैं तभी उसको आपने करंट मानना है, अदरवाइज वो आपकी क्या हो जाती है? नॉन करंट। तो सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल लूं कि अगर मान के चलिए आपका ईयर 12 है और आपकी अगर ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ है, 15 मंथ अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है ना, तो आपके लिए करंट एसेट्स वो कहलाएगी जो आपकी बैलेंस शीट डेट से 15 महीने के अंदर अगर आपको कैश में रिलाइज हो जाती, क्योंकि विच एवर इज लॉन्गर वर्ड के ऊपर फोकस है। किसके ऊपर फोकस है? विच एवर इज लॉन्गर। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जब आप अपने रॉ मटेरियल को खरीद कर, सबसे पहले आप क्या करते हो? रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको फिनिश में बदलते हो, फिनिश में बदलने के बाद उसको क्रेडिट सेल्स करते हो और फिर उसको कैश में बदल लेते हो ना। ये जो पीरियड है यही आपका क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल। तो डेफिनेशन एज पर यूएस गैप, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट, कोई एसेट्स कैश में विद इन वन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर में रियलाइज्ड होती है, हम उसको करंट एसेट्स मानते हैं, या करंट लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आप विद इन वन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर में आप क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं सर? तो हम उसको करंट लायबिलिटीज मानते हैं। और अगर सर उसका पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बाद रिसीव होने वाला है तो वह नॉन करंट है, और अगर उसका पेमेंट हम वो अगर वो करंट एसेट्स नहीं है या करंट लायबिलिटीज नहीं है तो वो नॉन करंट है। तो नॉन करंट में सर आपका क्या आ गया? एक तो पीपी, अभी आप यहां पर फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते थे ना, फिक्स्ड एसेट्स, यहां इसको बोला जाएगा पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। हम एसेट्स को क्या बोल रहे हैं? पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। तो उसके अंदर लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गई, इक्विपमेंट आ गई, और फिर अदर एसेट्स में आपके इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल हो सकता है, कोई लाइसेंस हो सकता है, कोई फ्रेंचाइजीज हो सकती है। तो ये बैलेंस शीट बनी है।
लेकिन इस बैलेंस शीट में मैंने आपको बेसिकली जो बताना है वो शेयर होल्डर इक्विटी, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फार सेक्शन में सीपीएमए, यूएससीएमए और एसीसीएमए इस सेगमेंट से कवर हो जाते हैं कि सर शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए कि सर शेयर होल्डर इक्विटी, तो शेयर होल्डर इक्विटी में एक आ गया कॉमन स्टॉक, यूएस गैप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या बोलता है कॉमन स्टॉक। ये किसके अकॉर्डिंग है सर, यूएस गैप। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बिल्कुल नई हो सकती है, कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। आईएफआरएस इसको कॉमन स्टॉक की जगह क्या बोलता है, ऑर्डिनरी शेयर कह लीजिए या इक्विटी शेयर कह लीजिए। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है एडिशनल पेड इन कैपिटल। इंडिया में जब आप अकाउंटिंग करते थे, अगर 100 रुपए की चीज को, 100 रुपए का एक शेयर है, उसको 150 में आप क्या करते थे, बेचते थे, तो जो 50 रुपीज है ये जो एक्स्ट्रा आप लेते थे, इसको स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते थे पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बस यहां इसको क्या बोला जाता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और एक लास्ट ब्रैकेट में देखिए ब्रैकेट, ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक का मतलब होता है जब आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स को, अपनी ही कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। मान के चलिए आपने 50,000 शेयर इशू किए थे, अब आपको लगता है कि यार आपका कॉम्पिटिटर है वो आपकी कंपनी के शेयर में होल्डिंग बढ़ाए जा रहा है, तो जब आप अपने ही शेयर को बाय बैक कर लेते हो, खुद ही खरीद लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। इसकी पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे हम, लेकिन वो जब हम मेन करिकुलम पढ़ेंगे, अभी हमें इतना पता करना है कि सर कंपनी का जो शेयर होल्डर इक्विटी है ना उसमें ट्रेजरी स्टॉक को हम माइनस कर देते हैं। तो सर ये सबको प्लस करना, 10, 20, 30 प्लस 197, 100 और माइनस 2, इसको हम बोलते हैं इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। अगर हम हमारी कंपनी में प्रेफर्ड स्टॉक भी है तो हम प्रेफर्ड स्टॉक को भी यहां पर क्या करें, लिख देंगे। तो सर अगर कभी भी इक्विटी वर्ड आएगा तो इक्विटी वर्ड का मतलब केवल और केवल कॉमन शेयर या स्टॉक या कैपिटल नहीं होता, उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग आता है, उसके अंदर एडिशनल पेड इन कैपिटल आता है, उसके अंदर कॉमन शेयर आते हैं, उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर आता है। और अगर हमने हमारे ही शेयर्स को खरीद लिया है, हमने ही हमारे शेयर को बायबैक कर लिया है, तो हम उसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो वो क्या बनेगा, इक्विटी। तो ध्यान रखिए पहले जो लेक्चर, जो पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था शेयर होल्डर इक्विटी, यहां पर अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा, आपका एसेट बनेगा। तो लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू क्या बनती है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। और शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या आता है ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपका क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी। ये हमने बैलेंस शीट को समझा, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज को हमने समझा, जिसमें कि शेयर होल्डर इक्विटी में आपके लिए हो सकता है कि ये वर्ड नया हो एडिशनल, क्योंकि ये कोई मेन करिकुलम की क्लास नहीं है। यहां मैंने आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर देना है कि अगर आप AKPIS के स्टूडेंट हैं तो आपका फाइनेंशियल बेस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग का बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए बेटा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को बहुत अच्छे से पास कर पाएंगे। तो सर स्टेटमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा आपको पर्टिकुलर डेट पर, कब सर, पर्टिकुलर डेट मतलब 31 दिसंबर
इस डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नॉलेज देती है। इस डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें बताते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डेफिनेटली ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वर्ड बीइंग ए बीकॉम स्टूडेंट आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो आप जो नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आते थे ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इंटरनेशनली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि सर ये स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। चलिए तो इसकी पहले थ्योरी पढ़ें, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ें, और फिर हम इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और मैं आपको एक स्टेटमेंट भी बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ये मेरी बात आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। डेफिनेशन पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज ए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। मतलब किसी कंपनी का रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कोई लॉस आपको हुआ है। लेकिन लिस्टेड डाउन ऑल द प्रॉफिट्स, बस ये लाइन, ऑल द प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें दो चीजें आती हैं। क्या क्या आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द एंटिटी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्लस ओसीआई, इन दोनों का जो टोटल है ना, इन दोनों का जो टोटल है, प्रॉफिट और लॉस आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया। यूएस गैप है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं यूज करता, पता है वो जनरली यूज करता है नेट इनकम। नेट इनकम तो नेट इनकम या नेट लॉस आपको हुआ है, उसमें अगर हम ओसीआई जोड़ दें तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस या नेट इनकम निकलता कहां से? इसके लिए इंडियन स्टूडेंट याद करो, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा इनकम स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप। एज पर यूएस गैप आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो उसके लिए आपको अब ओसीआई, तो ओसीआई इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखिए उसका एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब ये देखिए आप, स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, देखिए फॉर द ईयर एंडेड मतलब बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन या एज एट बनती है ना, ये फॉर द ईयर एंडेड। छोटी छोटी कल को एक मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बात पे पूछ ले और बोले सर हमने तो ध्यान ही नहीं है, तो फॉर द ईयर एंड मतलब फॉर द मतलब पूरे इंटायर महीने, पूरे साल भर का एक डेट पर बैलेंस शीट आपको एक पर्टिकुलर डेट पर पोजीशन बताती है और रिजल्ट आपको पूरे टेन्योर का बताता है, पूरे साल भर का बताता है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर यहां पर नेट इनकम आ रही है और उस नेट इनकम एक ओसीआई हम जोड़ रहे हैं। सर हमें नेट इनकम तो समझ में आ गया कि हम इनकम स्टेटमेंट को बनाकर उसमें से निकालेंगे, हम क्या करेंगे नेट इनकम को उस स्टेटमेंट से बनाकर निकालेंगे और फिर एक होगा ओसीआई। ओसीआई में कौन कौन सी इनकम आती है, क्या क्या चीजें ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आती है, वो अभी एक सेपरेट मैटर का पार्ट है। लेकिन आपको अगर ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट, ध्यान रखिए वहां लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्राइजेस टू थिंग्स, नेट इनकम और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट ऑफ टैक्सेस। क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर दो चीजें सर, तो ओसीआई के साथ में एक वर्ड लिखा है नेट ऑफ टैक्स,
हम सारी चीजों को समझेंगे कि सर ओसीआई क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट बेटा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक चैप्टर का पार्ट है, लेकिन इतना नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब जितने भी अनरियलाइज्ड गेन होते हैं, अनरियलाइज्ड गेन को हम ओसीआई में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं पूरा पढ़ाऊंगा ओसीआई, लेकिन मैं आपको यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें, नेट इनकम प्लस ओसीआई, और नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है जो आपने यहां पर पढ़ा था। स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो उसमें क्या क्या आ गया सर, दो चीजें आ गई, नेट इनकम आ गया और एक आ गया ओसीआई। अभी ओसीआई में क्या क्या आता है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट। अब है ना, नेट इनकम को भी यूएस गैप के अकॉर्डिंग, अभी मैं यूएस गैप को कवर कर रहा हूं, फिर आईएफआरएस को भी कवर करूंगा। आप देखिए, आपको बोर्ड पर दो तरीके के इनकम स्टेटमेंट देखने को मिल रहे होंगे, दिख रहे हैं ना इनकम स्टेटमेंट, दोनों का रिजल्ट सेम है। देखिए, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, लेकिन दो प्रकार के, दो टाइप्स के आपको दिख रहे हैं। देखिए, इसकी नेट इनकम आ रही 15,000 और इसकी भी आ रही 15,000, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। जरा अच्छे से देखिए, यह है वन स्टेप फॉर्मेट, यह है मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यूएस गैप इनकम स्टेटमेंट को दो तरीके से प्रिपेयर करता है। अगर आप एक सिंगल वन स्टेप फॉर्मेट पे देखें तो यहां पर आपको रेवेन्यू की आइटम दिख रही है, साथ में उसके साथ में फाइनेंस इनकम भी दिख रही है। मतलब सर वन स्टेप फॉर्मेट आपकी ऑपरेटिंग इनकम वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एक साथ एक ही जगह दिखाता है, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करता है। मतलब आपने जो टोटल रेवेन्यू के अंदर अलग से कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं दिखाया है। सर ऑपरेटिंग मतलब बेटा जिसमें हम बिजनेस करते हैं, सपोज दैट आपका गारमेंट्स का काम है, तो सर गारमेंट्स की सेल करने से लेट से 280,000 की आपने गारमेंट्स की सेल करी है, 280,000 की आपने किसकी सेल करी है, गारमेंट्स की, और जो 12,000 है, ये जो 12,000 है ये कौन सी इनकम है, फाइनेंस इनकम है। सर मेरा पास बहुत पैसा पड़ा था, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है और बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, या मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, मुझे डिबेंचर बॉन्ड खरीदे थे, वहां से मुझे इंटरेस्ट इनकम हुई थी, ये मेरी कोई मेन ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है, ये तो मेरी फाइनेंस इनकम है। लेकिन यूएस गैप बोलता है कि अगर आप एक वन स्टेप फॉर्मेट बना रहे हैं, वन स्टेप फॉर्मेट आप बना रहे हैं तो आप एक ही जगह दिखाएं, लेकिन अगर आप मल्टीपल में देखिए, आपने ऑपरेटिंग से जीपी दिखाया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने दिखाया है, तो सर मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट बोलता है कि आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को अलग दिखाओ। देखिए, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम, देख रहे हैं, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहां आपने फाइनेंस एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एक ही जगह शो किया, तो बेटा डिस्क्लोजर का फर्क है बस। किसका फर्क है सर, डिस्क्लोजर का फर्क है। मतलब सर मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट जो है वो बोलता है फाइनेंस इनकम को अलग दिखाओ और ऑपरेटिंग इनकम को अलग दिखाओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यू है, आप रिव्यू प्रोवाइडर्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो सर जीपी किस में दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट किस में दिख रहा है आपको, देखिए बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आपको मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट में शो कर रहा है, सिंगल वन स्टेप फॉर्मेट में आपको यूएससीए में पढ़ रहे हैं या यूएससीपी, मल्टी एग्जाम क्वेश्चन है, आपको कहां दिख रहा है सर, मल्टीपल में जीपी शो कर रहे हैं, लेकिन वन स्टेप में कहीं भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि वन स्टेप फॉर्मेट जो है ना वो फाइनेंशियल इनकम हो, मतलब ऑपरेटिंग इनकम हो या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, उसको एक जगह दिखाता है, ये अलग अलग दिखाता है। लेकिन सर दोनों का रिजल्ट सेम है, देखो
इनकम बिफोर टैक्सेस दोनों में नेट इनकम। तो सर नेट इनकम का मतलब भी समझ लो बेटा, नेट इनकम का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें, ये लिख दे रहा हूं मैं। ये आपका क्या है, नेट इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट इनकम मतलब तो सर दोनों में 15-15। तो सर इनकम स्टेटमेंट के दो फॉर्मेट, इस इनकम स्टेटमेंट से ही हम नेट इनकम को निकालेंगे और इसको हम यहां पर लेकर जाते हैं। कहां लेकर जाते हैं सर, नेट इनकम, और उसके बाद बनेगा आपका ओसीआई। इन दोनों का टोटल आपका क्या कहलाए, आप मुझे बताइए। मैं क्यों अपने वीडियोस में स्टूडेंट से बोलता हूं कि यू शुड हैव द टेक्निकल एनालिसिस। आप सोचिए, आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इतना माइन्यूटली सोच सकते थे? आप पॉज करके इस वीडियोस को देखना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो हमने यहां पे बात करी नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग कॉन्सेप्ट है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब आप एमसीक्यू कर रहे होंगे यूएससीए में और उसमें सीपीए में, तो वो कई बार आपसे पूछता है कैलकुलेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और आप पता चले ओसीआई ढूंढ रहे हैं। और अगर वो आपसे ओसीआई पूछ रहा है तो आप ओसीआई में नेट इनकम भी मर्ज कर रहे हैं। तो नेट इनकम अलग है और ओसीआई अलग है। 5 मार्क्स पता है आपकी, कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स आपके आज ही कवर हो गए। 5% तो आपको आ गए। अगर इस लेक्चर को आपने अच्छे से देख के समझ लिया तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स मिल चुके हैं। आप देख लेना, एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं आपको ये ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एडिशनल पैटर्न कैपिटल इक्विटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो सर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने बात, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं बेसिकली है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो सर ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो अभी आपको मैंने बैलेंस शीट बताई थी ना कि इक्विटी में क्या क्या आता है, तो हमें उसी का एक चेंजेस का एक स्टेटमेंट बनाना होगा सर कि पर्टिकुलर ईयर में इन इक्विटी के कॉम्पोनेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। उस स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो सर इक्विटी के कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताए थे, यहां भी मैंने अलग से मेंशन कर दिए। तो सर कंपोनेंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। कॉमन स्टॉक मतलब आपके वही ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल कह लीजिए, प्रेफर्ड स्टॉक प्रेफरेंस शेयर, एडिशनल पेड इन कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूटेड सरप्लस अगर कोई नई कॉन्ट्रीब्यूशन किया, नई कैपिटल, नए शेयर इशू किए, सर रिटेन अर्निंग और अदर कॉम्प्रिहेंसिव। इन दोनों को तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। अभी मैं आपको ना इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम और रिटेन अर्निंग, जो अगला हमारा सुपर 50 लेक्चर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताने वाला हूं। तो आपको यह ध्यान रखना है रिटेन अर्निंग प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन अब जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है, तो पेड इन कैपिटल एपीआईसी की जनरल एंट्री भी पता होनी चाहिए। तो जब एक कंपनी पार वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर शेयर को इशू करते हैं तो हम उसको कहां डाल देते हैं सर, एडिशनल पेड इन कैपिटल में डाल देते हैं। तो जैसे यहां पर इन्वेस्टर पे 24/1 शेयर ऑफ स्टॉक विद ए पार वैल्यू $5, तो सर $5 की वैल्यू थी, कितने का शेयर था सर $5 का, उसके लिए कितना पेमेंट किया 20, तो कितना एक्स्ट्रा किया ये ₹15 आपका एडिशनल पेड इन। इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, ये भी इक्विटी का ही कंपोनेंट है। तो जनरल एंट्री सर कैश अकाउंट डेबिट टू कॉमन शेयर क्रेडिट कर दिया, कितने से सर पार वैल्यू से, और एडिशनल पेड इन कैपिटल को 15 से क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट, तो एडिशनल पेड इन कैपिटल जिसको कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जानते थे। उसके बाद ट्रेजरी स्टॉक, तो ट्रेजरी स्टॉक है ना पूरे चैप्टर में इसके हम अकाउंटिंग सीखेंगे, लेकिन अभी हम कंपोनेंट ऑफ इक्विटी सीख रहे हैं। तो सर ट्रेजरी स्टॉक का मतलब मैंने आपको बताया, लेकिन मैं यहां पर फिर कुछ चीजों को हाईलाइट करूंगा।
डेफिनेशन पढ़ें, ट्रेजरी स्टॉक ऑल्सो नोन एज ए ट्रेजरी शेयर और री एक्वायर्ड, कौन से सर, जो हम खुद वापस खरीद लेते हैं, री एक्वायर्ड, रेफर टू प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग, मतलब आपने ही पहले इशू किए थे, अब आप ही उसको वापस क्या कर रहे हो सर, खरीद रहे हो, तो वो आपके क्या हो गए, प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग स्टॉक दैट इज बॉट बैक फ्रॉम द स्टॉक होल्डर बाई इशूइंग कंपनी द रिजल्ट दैट बस द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर डिक्रीज, मतलब सर अगर हमने 50,000 शेयर इशू किए थे उसमें से 10,000 को हमने खरीद लिया तो हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर क्या हो जाएंगे सर, कम हो जाएंगे ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको ईपीएस सिखाऊंगा तो जब आप अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन सीखेंगे तो ध्यान रखिए डिविडेंड देने के लिए, किन चीजों के लिए सर, डिविडेंड देने के लिए और अर्निंग पर का कैलकुलेशन, ये दोनों बातें डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर सर ये क्या होता है, ईपीएस बेटा चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन और ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए ट्रेजरी स्टॉक को आउटस्टैंडिंग नहीं माना जाता, इसीलिए बैलेंस शीट में इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट में हमने क्या किया था, माइनस किया था। देखिए जब बैलेंस शीट हमने बनाई थी ना तो हमने इसको माइनस किया था, आप देखें तो इसीलिए ये चीजें देखिए ये माइनस 2000 आपने इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सर हम कहां पर पहुंच गए हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहे थे। तो अब ये बहुत टेक्निकल पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं यहां पर 3 स्टार बना रहा हूं, ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 101% यूएस सीएमएम में इसके ऊपर या तो कोई केस स्टडी आ जाती है एज ए राइटिंग आ जाती है, या आप फार सेक्शन में जब सीपीए को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई सिमुलेशन भी आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर मिल जाए। तो अब हम इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को क्या है अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए तो हम एक पूरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट देखेंगे और हम समझेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है। चलिए चलिए तो पहले डेफिनेशन को भी तो पढ़ें सर कि डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन में मैं फिर से कुछ चीजों को हाईलाइट करने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डेफिनेशन पढ़ें, थोड़ा सा इधर होकर पढ़ता हूं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रेफर टू रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो सर एक प्रकार का रिकंसिलेशन है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का, अभी मैं स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, ऑफ इक्विटी इन ए कंपनी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये भी पूरे एक पीरियड के लिए बनाई जाती है। तो ओपनिंग मतलब इक्विटी के जो कॉम्पोनेंट हमने पढ़े उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का रिकॉन्सिलेशन है कि सर लास्ट ईयर में जो इक्विटी के कंपोनेंट थे और आज जो कंपोनेंट क्लोजिंग डेट पर आ रहे हैं उनके बीच में क्या चेंजेस आया है उसको हम क्या करेंगे यहां पर समझेंगे। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन को हाईलाइट कर लेना बेटा, हमेशा काम आएगी। इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिटवीन कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एंड ऑल्सो इंक्लूड बस All those transactions not captured in two statements. But इतनी important line है ना ये, important लिख दिया। हो सकता है कि ये basics में ना समझ में आए लेकिन जिस दिन हम accounting changes के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और भी picture clear हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि इस statement में
वो आइटम्स भी आते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आते, जैसे कि डिविडेंड पेमेंट, इक्विटी विड्रॉल। सर हमने इक्विटी ने कुछ विड्रॉल किया, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आ नहीं सकता। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस और प्रायर पीरियड एरर, ध्यान रखिए इनकम स्टेटमेंट में ये बहुत बड़ा वर्ड लिख रहा हूं, ओनली करंट ईयर के आते हैं, करंट ईयर ये ध्यान रखना। और डिविडेंड जो आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो प्रायर पीरियड के एडजस्टमेंट और चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अभी नहीं समझ में आएगा बेटा, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तो सुपर 50 कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रहेगा ना, जब उसको पढ़ेंगे तो इसका रेफरेंस दूंगा। तो ध्यान रखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड पेमेंट, इक्विटी विड्रॉल, एरर करेक्शन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंजेस का इंपैक्ट भी आता है। अब हम इस स्टेटमेंट को एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का रिकंसिलेशन है, तो ये ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स का स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर से ये लिया हुआ है। आप देखिए यहां आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, पांचों कंपोनेंट देख लीजिए जो हमने बात करी थी सर, रिटेन अर्निंग, एक्यूमुलेटेड, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल और ट्रेजरी। इन सब के टोटल को ही क्या बोलते हैं, टोटल इक्विटी। तो टोटल इक्विटी बोलते हैं, यह है ओपनिंग बैलेंस, यह है आपका क्लोजिंग बैलेंस, यह आपका ओपनिंग और यह आपका क्लोजिंग। तो देखिए ओपनिंग सर हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस किसका, रिटेन अर्निंग का 350 था, एंड का कितना है 400। तो इसका मतलब सर 350 में हमने कुछ नया प्रॉफिट कमाया, 350 प्लस कर दिया, माइनस 60 डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो बड़े ध्यान से समझना, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग में से देते हैं, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग, ध्यान रखो ये लिखा है। तो सर रिटेन अर्निंग का मतलब होता है प्रीवियस प्रॉफिट, प्रीवियस प्रॉफिट प्लस करंट प्रॉफिट, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट प्लस प्रीवियस प्रॉफिट। तो रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड दिया और जो करंट ईयर प्रॉफिट कमाया, तो 350 प्लस 110 माइनस 60 400। तो हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का रिकंसिलेशन कर रहे हैं बेटा, इट इज जस्ट रिकंसिलेशन। इसी तरीके से आपके पास देखो कॉमन शेयर 40 थे, एंड में 50 होगा, इसका मतलब 10 आपने क्या किया है, इशू किया है। सर ट्रेजरी स्टॉक शुरू में 20 थे, एंड में 35, मतलब 15 और बायबैक कर लिया, अपने और शेयर खरीद लिए। तो सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग रिकंसिलेशन की, ड्यूरिंग द ईयर जो कॉम्पोनेंट हमने पढ़े थे उसमें क्या चेंजेस आया, दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब ये था हमारा, अभी हम सर पढ़ क्या रहे बेटा, हम तो बेसिक फंडामेंटल की पहली क्लास में ही हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चौथा जो हमने पढ़ा सर, स्टेटमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड, जब पूरा कैश फ्लो पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में, पूरा सिलेबस में है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कैश फ्लो का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड और उसका एप्लीकेशन। तो यहां पर जो भी आप प्रोक्योर करते हैं उसको तीन एक्टिविटीज में बांटा गया, कौन कौन सी तीन एक्टिविटीज में सर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आप जो स्टार्टिंग का कैश फ्लो है और एंडिंग का कैश फ्लो, तो आपको इन एक्टिविटीज से या तो इनफ्लो होगा, तो जो ओपनिंग थी उसमें इनफ्लो प्लस कर देंगे, आउटफ्लो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से आप एंडिंग कैश फ्लो निकाल लेंगे। तो आज ये पहला बेसिक लेक्चर है
जिसमें आपको स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं उसका नॉलेज मिला है। ऐसे 50 वीडियोस आपको मिलेंगे और इस वीडियो को तो YouTube पे भी कुछ लेक्चर्स अपलोड कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड चीजों को अच्छे से समझने अच्छे सब में। तभी देखिए आप एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को चूज किए हैं तो आपने जो बीकॉम लेवल पर जो स्टडी करी है ना, मुझे पता है इंडियन बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट वन नाइट स्टडी करके पास हो जाते हैं। और ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जिंदगी में, उनके लिए इस प्रकार की बेसिक फंडामेंटल क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और ये मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें कि आपके, और इवन अगर आपके डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो हमारे एक और सर हैं, वो भी आपके डेबिट और क्रेडिट्स के कॉन्सेप्ट को, जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को भी क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो आप इस चैनल के थ्रू बने रहिए, आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस यहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सुपर 50 लेक्चर्स जो कि आपको आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करेंगे। और आपके अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए ना गाइस, तो डेफिनेटली आपका यूएससीपी, आईएफआरएस, एसीसीए पास करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये नीचे लिखे नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और आपको इस चैनल के थ्रू भी बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस क्या है टाइम टू टाइम शेयर किए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। और मैं बार बार जाते जाते कह रहा हूं, ये सुपर 50 कॉन्सेप्ट, सुपर 50 लेक्चर आपके फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को काफी स्ट्रॉन्ग करने वाले। तो कीप अपडेटेड विद दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।